हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा, 26 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आज बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट्स है फॉर IAS बैंक, SSC, RRB एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। 9000 जी के वन लाइनर ये हमने शुरू किया था और करीबन 200 MCQ हमने कवर किए हैं। एग्जाम के बाद सेशन 5 जून से कंटिन्यू चल रहे, सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। SD सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेजेंडरी सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम, हु पास्ड अवे ऑन सितंबर 25, वाज आइडेंटिफाइड एज द वॉइस ऑफ विच सुपरस्टार इन 90s। 25 सितंबर को निधन हो जाने वाले महान गायक SP बाला सुब्रमण्यम की पहचान 90 के दशक में किस सुपरस्टार की आवाज के रूप में थी? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, धर्मेंद्र या रजनीकांत? तो इसका करेक्ट आंसर है सलमान खान। इसका करेक्ट आंसर है सलमान खान। व्हेन विल द काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक प्लेस फॉर द बिहार जनरल असेंबली इलेक्शन 2020? बिहार महासभा चुनाव 2020 के लिए मतगणना कब होगी? 10th नवंबर, 3rd नवंबर, 25th नवंबर या 20th नवंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 10th नवंबर, मतलब 10 नवंबर को मतगणना होगी। द बिहार जनरल इलेक्शन विल टेक प्लेस इन हाउ मेनी फेजेस? बिहार आम सभा आम चुनाव कितने चरणों में होंगे? 4, 3, 2 या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 चरणों में होंगे, 3 स्टेज में होंगे। मैं आपको ये बता दूं, 28 अक्टूबर को बिहार का इलेक्शन होने वाला है, उसी पे बेस सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। विच स्टेट हैज वॉन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को रोकने, नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। विच स्टेट विल होस्ट द 51st एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? कौन सा राज्य भारत के 91वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? कर्नाटका, लद्दाख, गोवा या केरला? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लैब भी हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कवर करवाई जा रही है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे लेक्चर हमने कवर किया। अगर आपने 25 सितंबर का लेक्चर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जाकर देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से रीजनिंग की क्लासेस कवर करवाई जा रही है, स्पेशली फॉर बंगाली मीडियम स्टूडेंट। 6 महीने का कोर्स है, पर मंथ आपको 250 पे करने हैं। ये सारे कोर्स कवर होंगे रीजनिंग से रिलेटेड। पेमेंट डिटेल आप पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर। पेमेंट हो जाने के बाद स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट आपको इसी नंबर पर भेजना है कन्फर्मेशन के लिए कि आपने पेमेंट कर दिया और आपका एडमिशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से वन टाइम पेमेंट आपको करना है NTPC क्रैश कोर्स के लिए। 3 मंथ का ये कोर्स है। यहाँ पर 8 रीजनिंग और GK क्लासेस कवर करवाई जा रही है। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से रीजनिंग और GK क्लासेस कवर करवाई जा रही है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। एक बैचेस कंटिन्यू चल रहे हैं। ट्यूजडे एंड थर्सडे रात के 9 से 10:30 बजे के बीच में GI, रात से 9 से और 10:30 के बीच में GK क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से सुशांतो सर मैथ की क्लास ले रहे हैं, सुमन सिल सर इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं और मैं रीजनिंग की क्लासेस और GK क्लासेस कवर करवा रहा हूं एट प्रेजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द G4 नेशंस रिसेंटली कॉल्ड फॉर अर्जेंट रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ G4 नेशन? G4 राष्ट्रों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों का आह्वान किया है, निम्नलिखित में से कौन G4 राष्ट्र नहीं है? इंडिया, जापान, जर्मनी या US? तो इसका करेक्ट आंसर है US। विच नेशन रिमेंड नॉन कमिटल ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म साउट बाई G4 कंट्री? G4 देशों द्वारा मांगे गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुधारों पर कौन सा राष्ट्र गैर कम्युनिटेड रहा?
यूएस, फ्रांस, चाइना या रशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। विच सेंट्रल स्कीम कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑन सितंबर 25, 2020? 25 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय योजना ने 3 साल पूरे किया? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत मिशन या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ओके। द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर हैज रिसेंटली अप्रूव्ड हाउ मेनी प्लास्टिक पार्क टू बी सेट अप इन द कंट्री? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? 4, 10, 3 या 2? तो इसका करेक्ट आंसर है 10। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स टू द मोक्ष कलश योजना 2020? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? पंजाब, बिहार, राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। गाइज, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 5 अक्टूबर से हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है न्यू बैच को लेकर। ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की क्लास होने जा रही है। अभी तक तो हम स्टेट वाइज चल रहे थे, अब इंडिया, पूरे इंडिया लेवल की क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, अगर आप इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट ब्रांच इंचार्ज को कांटेक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, मतलब पूरा पैक पैकअप करवाने, पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। और यहाँ पर हर तरह के एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, कंबाइंड कोर्स है ये। ऑन 24 सितंबर 2020, हाउ मेनी स्टेट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक एडिशनल लोन ऑफ ₹9,913 करोड़ फ्रॉम द ओपन मार्केट? केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? 7, 8, 10 या 5? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजीनियसली बिल्ड न्यूक्लियर कैपेबल टी मिसाइल? भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 2, अग्नि, फेयरलेस, माने निर्भय उसको कहते हैं, नॉट फेयरलेस, ओके, यहाँ निर्भय लिखिएगा, निर्भय, ओके। और ये त्रिशूल, माने ये ट्रिडेंट नहीं है, ये त्रिशूल होगा, सॉरी गाइस, त्रिशूल, ये याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी, जो यहाँ सही लिखा हुआ, और आपको सिर्फ इसी से मतलब होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द स्टेट टू यूज अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF टू फाइट द कोरोना एपिडेमिक? केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? 70%, 80%, 50% या 10%? तो इसका करेक्ट आंसर है 50%। इन इंडिया अंत्योदय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जनवरी, 15 मार्च, 12 अप्रैल या 25 सितंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सितंबर। Who among the following has been appointed as the regional ambassador of the United Nations Environment Program (UNEP)? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदालिया, राहुल सचदेवा, मोहन कुमार या अजय त्रिपाठी? तो इसका करेक्ट आंसर है खुशी चिंदालिया। वर्ल्ड फार्मास्यूटिक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व फार्मास्यूटिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 25 जनवरी, 25 सितंबर या 10 मई? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सितंबर। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस हाउ मेनी लाख रुपीस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स टू रिकॉग्नाइज जर्नलिस्ट इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 12 लाख? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 लाख। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन। बात करते हैं इनिशिएटिव की। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, यूट्यूब लाइव हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं अक्टूबर के मंथ से। ये मैराथन क्लास भी हो सकती है, तो आप तैयार रहिएगा। ये आप जितने भी इमेजेस देख रहे हैं, ये हमारे टेस्ट ऑफ नॉलेज के ब्रांच इंचार्ज हैं। हर एक जगह में आपको ब्रांच इंचार्ज देखने को मिलेंगे, और हमारा टारगेट ही है ऑल इंडिया। ओके, पूरे इंडिया में हमारे ब्रांचेस ओपन के हमारे ये लक्ष्य रखे गए हैं। अभी और भी हमारे यहाँ पर अपॉइंट हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, प्रीवियस डे जो आपसे क्वेश्चन पूछे होते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। विच स्टेट स्टैंड ऑन टॉप इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अमंग ऑल स्टेट इन द कंट्री? आंध्र प्रदेश। हु ऑर्गेनाइज इंडो रशियन यंग स्कॉलर्स?
इंटरनेशनल ई कॉमर्स 2020 ऑन इंडिया और रशिया डोमेस्टिक एंड बायलेटरल डेवलपमेंट्स यूरेशियन फाउंडेशन टीपीडी साउथ अफ्रीका पार्टनर्स विद विच अ कंपनी फॉर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इन ट्रांसफॉर्मेशन टीसीएस द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट दैट इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट जम्मू कश्मीर फाडा अपॉइंटेड हुम एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। अब आज का टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। ऑस्कर विनिंग जेरी मेंजल पास्ड अवे रिसेंटली व्हाट वाज हिज प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट और यूटी लॉन्च हिज स्पेशल मास कैंपेन अंडर द नेम ऑफ 10 हफ्ते 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। हु अनाउंस विल्मिंगटन्स एज इट्स फर्स्ट WWII हेरिटेज सिटी। हाउ मेनी सेक्टर्स आइडेंटिफाई फॉर द लोन रीस्ट्रक्चरिंग। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे की। आज दो इंपॉर्टेंट डे है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेजेस जो हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, और एक है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, ये भी हर साल क्या किया जाता है 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा स्टडी करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आज का सेशन कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जितने क्वेश्चन पूछेगा उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप जो नंबर देख रहे हैं इसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं, या एडमिशन जो 5 तारीख से 5th ऑफ अक्टूबर से हमारे यहाँ पर क्लासेस शुरू होने वाली है आप इससे संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चाणक्य लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। इसका लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइस मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ।